हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हो तो आप लोग के फिजिक्स के सिलेबस को लेकर। इसमें जो भी सिलेबस मैं बता रहा हूँ वो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर एडिशनल सबके लिए वैलिड है, तो इसे ध्यान से देखना है, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी हमने दे रखा है आप लोग को, तो प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं मैथ्स का सिलेबस। और ये डाउनलोड करने के लिए हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ पहले ही अवेलेबल हो जाते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस के पोर्शंस को लेके। तो आपका जो मेन मार्किंग स्कीम्स है वो ये है, आपका फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सारा के सारा आ रहा है, एंड टोटल आपका जो है 70 मार्क्स का होगा। तो ये हमने पहले इंक्लूड कर दिया, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कितने मार्क्स का वेटेज है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब इसके जब नीचे आओगे तो आप लोग को जो है हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक चैप्टर से कवर करना है, मतलब सिलेबस अलग से हम देंगे आपको, एक और जो है पीडीएफ आपको मिलेगा जिसमें डिटेल्ड सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो गया, एंड पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या गॉस थ्योरम हो गया, ये सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से भी हमने जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशनड है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ रूल्स। फिर आपका जो है बाकी चैप्टर्स में भी आप आओगे देखोगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में भी, जैसे मूविंग कॉइल, गैल्वेनोइड रिएक्टर, ये बहुत जरूरी रहता है, ये आपको प्रिपेयर करना है। एंड उसके साथ साथ एम्पेयर्स लॉ हो गया, बायर सेवर्ट लॉ हो गया, इस पे डेरिवेशंस बनते हैं, तो डेरिवेशंस पे आपको प्रैक्टिस करना है, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है उसको भी आपको करना है। तो न्यूमेरिकल्स कहाँ पे बनता है, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे आपका कन्वर्जन करते समय न्यूमेरिकल्स बन जाता है, बट यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशंस भी रहते हैं, ये जो पॉइंट्स है ना वो उसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी अगर बन रहा है तो वो होता है पैरा डाया फेरो मैग्नेटिज्म का, तो वो एक बार आप चेकआउट करोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप देखोगे तो लेंज लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एंड फराडेस लॉ, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो यहाँ पे एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और रेजोनेंस, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एंड ट्रांसफॉर्मर पे थ्योरी आपको मिल जाएगा, तो वो चीज़ पे आपको फोकस करना। इसी तरीके से आप आगे आओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको जो है ज़्यादा परेशान नहीं होना है, यहाँ से थ्योरी तरह का क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके हिसाब से आप बात करोगे, ठीक है। मतलब आना आना चाहिए आपको हर एक चीज़ है, जिससे कि आप एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओ, और अटैम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए, जो ज़्यादा अच्छा आता है उससे सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, आपका मिरर फॉर्मूला हो गया, जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाता है, एंड उसके साथ साथ आपका जो है माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स हो, इस पर आपको ध्यान देना है। एंड यहाँ आता है आपका वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में आपका हाइजिन प्रिंसिपल हो गया, एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप कर लेना, ठीक है। एंड डुअल नेचर्स ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स में अगर देखें हम लोग तो आपका डी ब्रोगली रिलेशंस हो गया, एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस हो गया, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज़ें एक बार चेक कर लेना। एंड और क्या रहेगा, ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा इजीली, आप इसका प्रिंट आउट लेके भी रख सकते हो, जिससे कि आप टिक करके चेक करते रहोगे कि मेरा कितना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर एटम्स की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, ये चीज़ें आता है, एंड एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। न्यूक्लियाई में अगर बात करें तो फ्यूजन और फिजन, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड इट्स वेरिएशंस फॉर विद मास नंबर, ये भी आपको करना है, इस पर इक्वेशंस जो बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट होगा ना वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और क्या चाहिए आप लोग को उसके बेसिस पे मुझे बता देना कमेंट सेशन में। आप लोगों ने फिजिक्स के सिलेबस के लिए बताया तो मैं लेके आया आप लोग के लिए। और यहाँ पे जो है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स पीएन टाइप का जो होता है उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, एंड डायोड का जो है एज अ रेक्टिफायर कैसे काम करते हैं उस पर आपको क्वेश्चंस मिलेगा, तो वो चीज़ देख लेना। सेमीकंडक्टर में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे काम करता है रिवर्स और फॉरवर्ड पे, वो चीज़ें उस पर मतलब आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एंड उस तरीके की थ्योरीज भी पढ़ने हैं। जब ये कर लोगे तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, एंड जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है तो आप एक बार कंप्लीट सिलेबस जो एक और पीडीएफ मैं साइट में इसका अटैच कर रहा हूँ उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। होप इंडिया आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, थैंक यू सो मच।